हेलो एवरीवन माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूटिलिटेरियन आई एस दोस्तों पिछले क्लास में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था यहाँ पे हमने पूरे वर्ल्ड को कंसीडर किया था राइट जैसे टेरिटर इकोसिस्टम हमने टूडा को देखा था हमने डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कहा था कॉनी फॉरेस्ट टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट टेम्परेट एवरग्रीन फ़ॉरेस्ट। तो ये सब के सब हम लोगों ने देखा था विद देयर करेक्टरिस्टिक्स ठीक है लेकिन आज वाली वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग आज वाली वीडियो में फॉरेस्ट टाइप पढ़ेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंडिया तो यह इंडियन फॉरेस्ट टाइप जो है ये हम लोग आज करेंगे ये जो टूड्रा और ये दूसरे तरह के जो फॉरेस्ट हैं कैनिफर्स फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट ठीक है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिए तो लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स तो आज की वीडियो में आपको क्या कराने वाला हूँ देखिए मेजर टॉपिक तो वही रहेगा इंडियन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इंडियन फॉरेस्ट में लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वी विल टॉक अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेट चैंपियन एंड सेट देखिए चैंपियन जो है ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन एंड ही वॉज रिजाइनिंग इन इंडिया ट्वेंटी थर्टीज ठीक है ही वॉज अ इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर एंड नाइनटीन थर्टी सिक्स में ही प्रोवाइडेड द ही प्रोवाइडेड द कैटेगराइजेशन ही और एंड और ही एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोरेस्ट विच आर फाउंड इन इंडिया ठीक है नाइनटीन थर्टी सिक्स में जिसको बाद में सेठ ने नाइनटीन सिक्सटी एट में जिसको अपडेट किया था

तो पहले ही मैं बता चुका हूं ये जो हम कैटेगराइजेशन यहां पे पढ़ेंगे देखिए ये आपकी थर्ड चैप्टर का पार्ट है दिस अ पार्ट ऑफ योर थर्ड चैप्टर राइट थर्ड चैप्टर में जो हम लोगों को कैटेगराइजेशन दिया हुआ है है वो दिया हुआ अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेट अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेट अगर मैं मेंस के परस्पेक्टिव से बात करूं प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से बात करूं तो यस आई वुड से कि ये बहुत ज्यादा डिटेल है विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जाम चैम्पियन ऑफ सेट की क्लासिफिकेशन की अगर लोग बात करें तो ये थोड़ा सा आपका ना ऑप्शनल की तरफ ज़्यादा चला जाता है जनरल स्टडीज की तरफ थोड़ा कम जाता है ठीक है तो क्योंकि ये स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन है सो इसीलिए वी विल नॉट गोइंग टू टू मच ऑफ डिटेल बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बिकॉज आपके चैप्टर का पार्ट है इसीलिए आई वुड कवर ठीक है पर लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा और ऊपर से एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है ठीक है हाँ लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बट वो हम लोग मेजर कैटेगराइजेशन के, के बारे में पढ़ेंगे माइनर के बारे में नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे देखिए चैंपियन का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1936 में ये इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर थे लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ब्रिटेन चले गए थे लेकिन सेठ ने उनको मॉडिफाई किया 1968 में और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी कैटेगराइजेशन के, के बारे में बात करेंगे दे टोक्ड अबाउट 16 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया 16 टाइप्स हालांकि 16 टाइप्स के भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं और ये अगर मैं सब टाइप्स की बात करने के जाऊंगा तो देर वुड भी अराउंड टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया 16 टाइप्स में भी फर्दर कैटेगराइजेशन थोड़ी थोड़ी उन लोगों ने कर रखी है सो दैट इज वाई दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इतना ज्यादा डिटेल में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट टाइप फॉरेस्ट टाइप में बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ वेजिटेशन यूनिट ऑफ वेजिटेशन विद डिस्टिंक्टिव फिजियोनॉमी एंड स्ट्रक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोनॉमी फिजियोनॉमिक का मतलब होता है उसको लुक कैसा है वो कैसा नजर आता है क्या वो डेंस फॉरेस्ट है क्या वो ग्रासलैंड है क्या वो डेजर्ट है क्या वो टुंड्रा है दैट इज द मीनिंग ऑफ द फिजियोनमी यानी कि वो लुक कैसा है उसका दिखता कैसा है ठीक है सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस तो डिस्टिंगटिव फिजियोनमी और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वेजिटेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज द कोल्ड फॉरेस्ट टाइप ठीक है और इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है नॉट ओनली जियोग्राफिकली बट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री ठीक है आपको यहाँ पे हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियाँ भी देखने को मिलती हैं ह्यूज माइटी हिमालय यू विल सी डेजर्ट हेयर यू विल ऑल्सो सी रेन फॉरेस्ट हेयर ऐसे एरिया भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई है ऐसी भी जगह आपको देखने को मिलती है जहाँ पे माइल्ड सीज़न्स आपको देखने को मिलते हैं ऐसी जगह देखने को मिलती है जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ पे देर इज एरिड वेजिटेशन ऐसी जगह भी मिलती है जहाँ पे बहुत डेंस काइंड ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है वेन इट कम्स टू क्लाइमेट और जितना वैरिड क्लाइमेट होगा डेफिनेटली उतनी ही वैरिड यहाँ पे वेजिटेशन भी मिलेंगी सो दैट इज वाई इंडिया इंडिया पोजेजिज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट जहाँ पे हम लोग सिस्टम टाइप फॉरेस्ट की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन इन फॉरेस्ट को जो डिटरमाइन करता, जो जो करता, करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या वो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे क्लाइमेट सोयल वेजिटेशन एंड पास्ट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बायोटिक इंटरफेरेंस तो यह जो फैक्टर बता रखे ना यह फैक्टर अकॉर्डिंग टू चैम्पिन और सेठ

वेजिटेशन के लिए कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक होता है हमारा मॉइस्चर और यू कैन से वॉटर एक होता है हमारा टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी वेजिटेशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं नेगेटिवली भी कर सकते हैं पॉजिटिवली भी कर सकते हैं सपोज देर इज एन एरिया जहां पे टेम्परेचर इज एक्सट्रीम बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पे क्या होगा क्या वहां पे लश् ग्रीन फॉरेस्ट मुझे देखने को मिलेंगे नो डेजर्ट कंडीशन देखने को मिलेंगी अगर हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल के साथ कंबाइन हो जाए तो तो वहां पे डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा अगर हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर के साथ हाई रेनफॉल के साथ कंबाइन हो जाए तो आपको वहां पे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा अगर मीडियम टेम्परेचर हो और मीडियम ही रेनफॉल हो तो वहां पे आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेगा तो ये मॉइस्चर यानी कि रेनफॉल जो वाटर कंटेंट होता है जो आपका टेम्परेचर होता है इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन विल फाउंड इन विच काइंड ऑफ एरिया इधर दैट इज अ

टेम्परेचर रिड्यूस होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो वैसे ही हमारा लोग वेजिटेशन का स्ट्रक्चर वेजिटेशन का नेचर भी चेंज होता है इक्वेटर पे आपको मिलते हैं रेन फॉरेस्ट और पोल्स पे आपको मिलते हैं आप उन्हें क्या कहता है टूड्रा एंड अल्पाइन याद करो टूड्रा एंड अल्पाइन तो जैसे जैसे आप लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ जाते हो तो आपका पहले आपको मिलेंगे रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा ग्रास लैंड आपको मिलेंगे डेसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे अल्पाइन टूड्रा एंड एंड ऑल दैट ठीक है क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है एंड उसमें अगर हम रेनफॉल वाला फैक्टर भी जोड़ दें तो दैट काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड लेकिन क्या यह सिर्फ लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग होता है नो no. ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है ये हम ने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं तो माउंटेन में जब आप उसके फुट हिल से जब लो ऑल्टीट्यूड से हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ चलते हो तो सेम काइंड ऑफ कंडीशन आर फाउंड देयर ऑल्सो तो इक्वेटर से पोल की तरफ चलो या फुट हिल से जो है उसके पीक की तरफ चलो सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आर देयर तो जब क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर हैं तो डेफिनेटली वेजिटेशन का नेचर भी सिमिलर होगा तो यहां पे, फुट हिल्स में यू विल फाइंड डेंस फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट मिडल में यू विल फाइंड टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट टॉप तो पे यू विल फाइंड टूड्रा एंड अल्पाइन काइंड ऑफ फॉरेस्ट तो जिस तरह की वेजिटेशन आपको यहाँ मिलती है अकॉर्डिंग टू लेटिट्यूड उसी तरह की वेजिटेशन आपको जो है अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड भी देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड भी देखने को मिलती है तो यहां पे जब हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ते हैं तो यहां का इनका जो नॉमन क्लेचर है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे अगर किसी की आप बात करो कि ट्रॉपिकल अगर कहीं पे बोले कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट समझते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए ये वाला वर्ड और ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है हाई टेम्परेचर अगर मैं लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो ट्रॉपिक का मतलब होता है हाई टेम्परेचर कंडीशन यानी कि बिटवीन यूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन ठीक है अगर मैं बात करूंगा टेम्परेट तो टेम्परेट का मतलब क्या है बियॉन्ड ट्रॉपिक्स बियॉन्ड ट्रॉपिक्स तो टेम्परेट का मतलब होता है माइल्ड टेम्परेचर दर वेरी हॉट नीदर वेरी कोल्ड राइट और जब मैं बात करता हूं जैसे अल्पाइन की बात करूंगा अल्पाइन अल्पाइन का मतलब होता है लो टेम्परेचर और एक होता है हमारा सब ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल मतलब दोनों के बीच में होता है सब ट्रॉपिकल अगर यहां का टेम्परेचर में फोर्टी डिग्री लेता हूं यहां का टेम्परेचर अगर मैं ट्वेंटी फाइव डिग्री लेता हूं तो यहां पर यू कैन से इट वुड बी बिटवीन थर्टी टू थर्टी और यहाँ पे टेम्परेचर इट वुड बी एवरेज टेम्परेचर बी टेन डिग्री और फाइव डिग्री सो so ये मतलब है ट्रॉपिकल, सब ट्रोपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन ये जो कैटेगराइजेशन होता है ये जो डिवीजन होती है ये हमारा लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी होता है पोल्स और यह आपका ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी होता है वेन वी गो हाइयर एंड हायर एंड हायर ऑन अउंटेन दीज काइंड ऑफ कंडीशन यू विल सी अब माउंटेन के जब भी नीचे होते हो बिल्कुल आपका ज्यादा टेम्परेचर होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर बढ़ता रहता है वेजिटेशन का नेचर भी चेंज होता रहता है ठीक है तो लेटिट्यूडनली एंड ऑल्टीट्यूडनली कंडीशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर तो मैं आपको यहां पर यही दिखाना चाहता हूं और एक चीज होती है हमारे पास मोइस्ट मॉइस्ट का मतलब क्या है मोइस्ट का मतलब मॉइस्चर से ही मॉइस्ट निकला है तो मोइस्ट मींस हाई रेनफॉल मोइस्ट मींस हाई रेनफॉल माउंटेन मींस डेफिनेटली हाइट पे होगा माउंटेन माउंटेन से ही माउंटेन वर्ड निकला है माउंटेन तो जहां पर भी वर्ड आया जाए माउंटेन तो आप समझ लो ये हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है हाई ओल्टीट्यूड इट इज टॉकिंग अबाउट हाई ऑल्टीट्यूड ठीक है जहां पर सब ट्रॉपिकल की बात करेगा मतलब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है टेम्परेट की बात करेगा टेम्परेचर थोड़ा सा कम है ठीक है अल्पाइन की बात करेगा तो टेम्परेचर बहुत कम है ट्रॉपिकल की बात करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा है ट्रॉपिकल मोइस्ट की बात करेगा तो मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा है मोइस्चर भी ज़्यादा है मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा है रेनफॉल भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है मोइस्ट ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल मतलब क्या है ट्रॉपिकल का मतलब है टेम्परेचर तो है ज़्यादा बट ड्राई है रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना पहले वाले में होता है ठीक है अल्पाइन मतलब वो यहां पर टेम्परेचर अपने आप ही कम हो गया ठीक है देखिए ये भी माउंटेन है ये भी माउंटेन है मतलब दोनों एक हाइट पे होंगे लेकिन ये सब ट्रॉपिकल है ये टेम्परेट है मतलब यहां पर टेम्परेट वाले में टेम्परेचर जो है कम होगा सब ट्रॉपिकल वाले में थोड़ा सा ज्यादा होगा सो इफ यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स देन देर वुड बी नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट कि कौन सा फॉरेस्ट का नेचर कैसा होगा चाहे मैं आपको आगे कराऊँ भी ना लेकिन आपको सिर्फ इस नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये फॉरेस्ट जो है किस तरह के होने वाले हैं तो ये जो वेट एवरग्रीन है सेमी एवरग्रीन है मोइस्ट डेसीडियस है लिट्टोरल एंड सौंप है ये सब आपका आता है मोइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर में यानी कि टेम्परेचर इज हाई रेनफॉल इज ऑल्सो हाई यह मोइस्चर बोल सकते हो आप वाटर कंटेंट ज्यादा है मॉइस्चर ज्यादा है रेनफॉल ज्यादा है टेम्परेट भी ज्यादा है ड्राई ट्रॉपिकल में क्या होगा टेम्परेचर इज हाई वाई बिकॉज दिस इज ट्रॉपिकल बट कंडीशन आर ड्राई तो रेनफॉल वुड नॉट बी दैट मच हाई इट वुड बी लो एज कंपेयर टू मॉइस्ट रेनफॉल बोलो उसको मॉइस्चर बोलो या वाटर की टोटल क्वांटिटी बोलो ठीक है अल्पाइन सब अल्पाइन मतलब तो हाइट पे है ही ठीक है माउंटेन सब ट्रॉपिकल माउंटेन जब वर्ड यहां पे आ गया तो आप समझ जाओ कि ये ज्यादा ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड इज हाई बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट माउंटेन सब ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर इज लिटिल बिट हाइयर एज कंपेयर टू दिस टेम्परेट तो यहां पर माउंटेन में क्या है ऑल्टीट्यूड तो यहां पर भी ज्यादा होगा बट टेम्परेचर जो है वो कंपेरेटिवली कम होगा ठीक है देखो तो ये वर्ड क्या कह रहा है अल्पाइन अल्पाइन का मतलब है ऑल्टीट्यूड काफी ज्यादा है अल्पाइन मतलब ऑल्टीट्यूड काफी ज्यादा होता है और ये कह रहा है मोइस्ट मतलब रेनफॉल ज्यादा है ड्राई वाले में रेनफॉल कम है तो है तो दोनों हाई हाई ऑल्टीट्यूड पे लेकिन एक, एक पे जो है वाटर ज्यादा है मॉइस्चर एक पे कम है तो अगर आप इन वर्ड को भी ध्यान से पढ़ लोगे तो यहां से ही आपका काफी कुछ क्लैरिटी हो जाती है काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपकी यहीं पे हो जाती है और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इन वर्ड्स को सुनो तो रादर देन गोइंग इन टू डिटेल्स जो भी आपने याद किया वो होगा द ट्राई टू फोकस ऑन द टर्म इट सेल्फ बिकॉज दैट टर्म कैन डिसाइड कि यहाँ पे किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी ठीक है तो फोकस ऑन दिस टर्म इफ दैट इज मॉइस्ट इट मीन्स वॉटर इज वाटर कंटेंट इज हाई रेनफॉल इज़ हाई मॉइस्चर इज हाई अगर ड्राई वर्ड आ जाएगा तो मतलब रेनफॉल कम है अल्पाइन वर्ड आ जाएगा मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है माउंटेन आ जाएगा तो हाइट ज़्यादा है सब ट्रॉपिकल आ जाएगा तो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है और टेम्परेट में मतलब टेम्परेचर कम है ठीक है तो थोड़ा सा इफ़ यू गो बाय दिस टर्म्स यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड वेयर देखिए यहाँ पर ये जो मैप है आप देख सकते हो ये मैप जो है आपको तो डेफिनेटली हम नोट्स में तो दे ही देंगे बट ये इस मैप्स के अंदर कभी थोड़ी बहुत जो है इधर उधर, उधर ओवरलैपिंग है तो so क्लियरली हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख सकते ठीक है कौन सा कहाँ पे है क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा कलर होता है बट यस ओवरऑल आपको जब नोट्स मिल जाएगा तो आप इसको जो है प्रॉपरली देख सकते हो ठीक है आप इसे थोड़ा सा जूम करके भी देख लेना आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कि कौन सा फॉरेस्ट देखिए आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है ठीक है क्योंकि आपको ये पहले से ही पता है कि इंडिया में कहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है कहाँ पे रेनफॉल कम होता है कहाँ पे जो है माउंटेनियस रीज़न है कहाँ पे प्लेन रीजन है तो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में आप थोड़ी पहले से ही फेमिलियर हो तो जब उसकी जियोग्राफी के साथ फेमिलियर हो तो डेफिनेटली यू ऑल्सो नो अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस And if you know the geography, if you know the climatic conditions, definitely you can easily anticipate कि वहाँ pe किस तरह का forest पाया जाएगा जैसे आपको राजस्थान की geography पता है वहाँ की क्लाइमेटिक conditions आपको पता है तो आप easily फाइंड आउट कर सकते हो कि वहाँ पे जो है Thorny श्रब्स मिलेंगे वहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी जैसे वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट में क्या है टेम्परेचर हाई है लेकिन रेनफॉल भी हाई है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा रेनफॉल हाई होगा तो मतलब वहां पे आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था तो डेफिनेटली मैं इसी इससे कह सकता हूं कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है वहां पर जो है आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे तो इफ़ यू नो अबाउट द जियोग्राफी इफ यू नो अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया तो आधा काम तो आपका यहीं पर खत्म हो जाता है आधी चीजें तो आपको यहीं से पता चल जाएगा दैट इज द दैट इज वन थिंग दैट आई लव अबाउट जियोग्राफी आई लव अबाउट एनवायरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स वाई बिकॉज इफ यू नो टू थिंग्स यू कैन ईजिली डिराइव एन अदर फाइव थिंग्स दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट अदरवाइज देर आर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जहां पर देर इज लॉट ऑफ क्राइमिंग जो लिखा हुआ बुक में आपको वही पता होना चाहिए फिर आपको एनालिसिस करते हो एंड ऑल दैट कंसेप्चुअल कम है कंपेरेटिवली लेकिन ज्योग्राफी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है सो दैट इज वाई थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर कुछ भी यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं होता एक चीज हमेशा दूसरी चीज के साथ रिलेशन में होता है सो दैट इज वाई अंडरस्टैंड करना अगर एक बार आपको इनिशियली अंडरस्टैंड वो चीज़ आपने कर ली देन आपको कभी भूलोगे नहीं बिकॉज एवरी थिंग इज इंटर कनेक्टेड ठीक है चलिए ओह लेट्स कंटिन्यू दिस चलिए तो आउट ऑफ सिक्सटीन पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोइस्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहले आई विल टेक दीज फोर ग्रुप्स देन आई विल टेक अनदर दीज थ्री ग्रुप्स देन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज सिक्सटीन काइंड ऑफ फॉरेस्ट तो पहले देखते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किए थे ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किए थे मैं आपको दिखा देता हूँ पिछली क्लास में लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किए थे अगर आपको अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सब लोग जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें ठीक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इक्विटोरियल रीज़न ये आप यहाँ पर देख सकते हो साउथ अमेरिका अफ्रीका में देख सकते हो यहाँ पर इक्विटोरियल वाला बेसिकली जो रीज़न है यहाँ पर क्या है हाई टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है हाई टेंपरेचर और हाई रेनफॉल होगा जहां पे वहां पे क्या होगा वहां पे लश ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा लश ग्रीन वेरी थिक एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे व्हाई वाई बिकॉज देर इज अबंडेंट प्रेसिपिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन जो है रेनफॉल कितना है मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर दिस इज टू मच टेंपरेचर भी हाई है बिटवीन ट्वेंटी डिग्री एंड थर्टी फाइव डिग्री टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई रेनफॉल इज ऑल्सो हाई तो एवरी थिंग इज इन अबंडल्सो गोइंग टू बी अबनडेंट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो सबसे यूनिक फीचर है वो क्या है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो लेयर्ड होती है देर डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर पिछली वीडियो में यह करा चुका हूं मैं ठीक है अमर्जेंट लेयर कैनपी अंडर स्टोरी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर तो अब इसी का ही एप्लीकेशन हम लोग जो है इंडिया में देख रहे हैं सो वी आर डूंग नथिंग स्पेशल हेयर वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो हम लोगों ने वर्ल्ड सिनेरियो में देखा है वो इंडियन सिनेरियो में कहां पे फिट होता है ठीक है इंडियन सिनेरियो में देखो कहां पे फिट होता है ये इंडियन सिनेरियो में फिट होता है आपका वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखा चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा मोसिंदरम का नाम आपने सुना होगा गारो खासी जयंतिया हिल्स वहां पर पड़ता है ठीक है मानसून के टाइम पे वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और टेम्परेचर भी हाई है सेम विद वेस्टर्न घाट सेम विद वेस्टर्न घाट्स अब वेस्टर्न घाट में आपने पता है कि किस तरह की रेनफॉल होता है यहां पे यहां पे होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसा रेनफॉल होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि जब यहां से मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं तो यहां पे जो माउंटेन होती है इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर और ये बैरियर में दीज विंड्स आर फोर्स टू राइज वेन दे राइज दे कंडेंस एंड दे क्रिएट क्लाउड्स एंड देशन होती है आपके वेस्टर्न घाट पर यहां पर यह है हमारा वेस्टर्न घाट और यहां से जो है मानसून विंडस चलती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंडस तो दीज वेस्टर्न घाट दे एक्ट लाइक अ बैरियर टू दीज विंड बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर बिकॉज ये हमारा अरेबियंस ही है दे हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर तो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर विल बी रिलीज इन दिस साइड इट सेल्फ यहीं पर आपका रिलीज हो जाएगा सारे का सारा मॉइस्चर तो आपकी जो विंडी दे वुड रेन शेडो एरिया एरिया तो माउंटेन के इस तरफ क्या है अबंड रेनफॉल अबंडचर माउंटेन के इस तरफ क्या है अबंडरेचर बट नॉट अबंड रेनफॉल तो डेफिनेटली वेजिटेशन में डिफरेंट तरह की मिलेगी तो वेस्टर्न घाट के एक तरफ मिलते हैं आपको डिफरेंट काइंड की एजुकेशन वेजिटेशन दूसरी तरफ मिलती है डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ आपको क्या मिलता है लश ग्रीन वेजिटेशन थिक फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट लेड फॉरेस्ट और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा बिकॉज मॉइस्चर है ही नहीं नो रेनफॉल ऑलमोस्ट नो रेनफॉल ड्राई कंडीशन तो वेजिटेशन भी आपके जो है आपकी एरिड वेजिटेशन ही आपको मिलेगी थोर्नी वेजिटेशन आपको मिलेगी वो टे वाटे वाले पौधे देखने को मिलेंगे ठीक है सो दैट इज हाउ एंड इज वेर रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया तो डेफिनेटली हमें हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इफ यू यू आर एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल डेफिनेटली यू विल नॉट हैल्टी इन फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट तो दीज आर ट्रॉपिकल वेट ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर वेट मतलब हाई रेनफॉल एवरग्रीन मतलब दे वुड बी ग्रीन फॉर एवर ठीक है जब आप जंगलों में जाते हो तो सारा हर साल के किसी भी समय आप वहां पर चले जाओ यू विल सी लश ग्रीन वेजिटेशन अराउंड यू ठीक है पत्ते नहीं झड़ते हैं अगर झड़ेंगे भी तो एक टाइम पे नहीं झड़ते हैं आज एक का झड़ेगा दो दिन बाद दूसरे का झड़ेगा हफ्ते बाद तीसरे का झड़ेगा तो यू विल ऑलवेज सी ग्रीन पैच ठीक है तो दीज आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट दो ही कंडीशन है इसके लिए हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल ठीक है जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था वही लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अमरजेंट लेयर कैनपी लेयर, स्टोरी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द फॉरेस्ट फ्लोर ठीक है कहां, कहां पे मिलते हैं यू शुड नो द लोकेशन आगे दोबारा बता रहा हूं वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडमान एंड निकोबार आईलैंड ठीक है तो कहां पे मिलेंगे जहां पे ज्यादा रेनफॉल होगा और इंडिया में रेनफॉल कब होता है मॉनसून के सीजन में है ना मेजरली मोर देन 90% परसेंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इट एग्जिस्ट इन मॉनसून तो डेफिनेटली ये फॉरेस्ट वहां पे होंगे जहाँ पे मॉनसून की इंटेंसिटी ज्यादा होगी नॉट ओनली इंटेंसिटी बट ड्यूरेशन ऑल्सो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर आप चले जाओ हरियाणा पंजाब थोड़ा राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे मॉनसून वुड देर भी हार्डली फॉर टू मंथ्स जुलाई और अगस्त वापिस उसके बाद ठीक है लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ अगर आप मेघालय में चले जाओ वहां पे इट वुड बी देयर फॉर फोर मंथ्स फाइव मंथ्स अगर आप केरला में चले जाओ तो वहां पे इट वुड बी मोर देन फोर सिक्स मंथ्स मे बी सेवन मंथ्स ऑल्सो ठीक है दैट दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी समाइम्स तो जून में आता है जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक चलता है केरला में आता भी सबसे पहले है जाता सबसे बाद में है तो वेस्टर्न घाट्स मॉनसून की इंटेंसिटी भी ज़्यादा है मॉनसून की ड्यूरेशन भी ज़्यादा है तो वेस्टर्न घाट हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड हुए तो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड देयर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल ठीक है तो जहाँ पे मॉनसून जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलता है ये वहाँ पे होते हैं इसका रेनफॉल जो है 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इवन मोर देन 200 सेंटीमीटर ठीक है मेघालय वाले रीजन में तो आपको इट इट विल इट विल गो इवन मोर देन 300 सेंटीमीटर तो इट इज इट शुड बी मोर देन 175 सेंटीमीटर सेंटी उससे ऊपर जितना भी जाओ आपको यही तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ठीक है कॉन्टिन्यूस कॉनिपी होती है देखा आप देख सकते हो यहां पे दूसरा पे पेड़ होगा इसकी इसकीपी ऐसी होगी तीसरा होगा इसकी इसकीपी ऐसी होगी तो इट्स अ अंटिन्यूसनिपी लाइक दिस कॉन्टिन्यूसपी अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो बिकॉज दे आर सो डेंस देयर कैनिपी इज सो क्लोज्ड

तो ट्री एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं देखो यार ओवरलैप तो करेंगे जब इतनी डाइवर्सिटी है वहां पे इतने सारे ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं हर साइज का ट्री आपको देखने को मिलेगा लंबे भी मीडियम साइज के भी छोटे भी हर तरह का देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द लेयर स्ट्रक्चर ठीक है तो जब लेअर्ड स्ट्रक्चर होगा हर हर लेवल पे आपको जब ट्रीज देखने को मिलेंगे तो सनलाइट तो पेनिट्रेट करेगा ही नहीं फ्लोर तक ठीक है तो वेरी लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर डेफिनेटली जब सारे के सारा ऊपर वो इट वुड एक्ट लाइक एन अम्ब्रेला है ना एंड इट विल एक्ट लाइक अ बैरियर फॉर दिस सनलाइट तो सनलाइट विल नॉट बी पेनिट्रेटेड एंड इट विल इट विल हार्डली रीच टू द सरफेस ठीक है ट्री जो है कैसे होंगे टॉल होंगे स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज होंगे ठीक है बटरेस रूट होता है उनका बटरेस रूट बटरेस रूट आप जहाँ यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ बटरेस रूट ठीक है इस तरह से आपको रूट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो मेजरली तो रूट इनका नीचे ही है बिलो द सरफेस बट यू विल ऑल्सो सी दीज विजिबल रूट हेयर ऑल्सो इन्हें बोलते हैं बटरेस रूट बटरेस रूट देखिए सोयल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक यहां पर होती नहीं है पिछली वीडियो हम लोगों ने किया था पहले तो वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं इट्स एक्चुअली रेन सॉइल जो है यहाँ पे वो पुअर होती है न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होती है क्यों होती है बिकॉज रेनफॉल इतना ज्यादा होता है यहां पे तो मेजरली जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो तो वॉश आउट आउट हो जाते हैं दे आर सोइल इज नॉट वेरी थिक एंड इट इज नॉट रिच न्यूट्रियो तो क्योंकि सोइल थिक नहीं है तो अब ट्री लंबा है सोइल जो है वो थिक है नहीं तो ट्रीज को जो है कैसे सपोर्ट करेगी सोयल तो इस तरह के रूट्स बना के जो है वो ट्री अपने आप को सपोर्ट करता है ताकि वो गिरे ना उसको गिरने से बचाने के लिए सो दैट इट कैन नॉट बी टिप्ड ऑफ तो उसको टिप ऑफ ना हो उसको बचाने के लिए ये रूट्स होते हैं इट दीज रूट्स एक्ट लाइक अ ट्राईपोर्ड जैसे हम लोग कैमरा वगैरह लगा दें ट्राईपोड पर तो कि उसको वो बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं इट वुड राइट लाइक अ लेग्स लेग्स एंड आर्म्स टू द ट्री बिकॉज ट्रीज आर वेरी वेरी टोल दे आर वेरी वेरी हैवी ऑल्सो एंड सोयल डेव मच स्ट्रेंथ टू सपोर्ट दीज ट्रीज नाउ वट वि हैपन दे विल डेवलप देयर रूट इन सच ए वे सो दैट दीज रूट कैन सपोर्ट दीज हैवी एंड टोल ट्रीज इन्हें बोलते हैं बटरेस रूट बटरेस रूट तो क्या ये बटरेस रूट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के काम आते हैं यस yes. येस yes. सपोर्ट करना इनका मेजर फंक्शन है बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो प्रोवाइड एरेशन ऑल्सो मतलब एयर से कुछ न्यूट्रेंट्स वगैरह लेने के काम भी ये आता है ठीक है कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं जैक फ्रूट नट जामुन मैंगो एंड होलोक एट्सेट्रा लेअर्ड स्ट्रक्चर होता है ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं ठीक है दिस बटर एस फ्रूट आप देख सकते हो तो एरियल एक्सटेंशन है तो नीचे जो इसके दूसरे जो रूट्स होते हैं बड़े वाले रूट होते हैं इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन टू दैम ठीक है सपोर्ट करने के काम आता है दे स्टेबलाइज द ट्री एस्पेली इन शैलो सैचुरेटेड सॉइल डेफिनेटली वो बात मैं पहले ही कर चुका हूं सो दैट दे कैन नॉट बी टोपल अगर वे टोपल हो जाएंगे दे विल बी ट्रिपड ऑफ ठीक है तो टोपलिंग से बचाने के लिए भैया ठीक है चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सेमी ग्रीन ठीक है पहला हो गया हमारा वेट एवरग्रीन दूसरा हो गया सेमी नाम से ही पता चल रहा है सेमी एवरग्रीन है ठीक है एक होता है हमारा डिसीडियस डिसीडियस कौन सा होता है जो अपने पत्तों को झाड़ देता है इन विंटर टाइम्स ठीक है ओटम में और विंटर टाइम में वो अपने पत्तों को झाड़ देता है तो उसको बोलते हैं डिसीडियस एवरग्रीन होता है जिसके पत्ते कभी नहीं जड़ते और सेमी एवरग्रीन कैसा होगा इट वुड वी मिक्सचर ऑफ बोथ ठीक है तो सेमी एवरग्रीन में कुछ ट्रीज ऐसे होंगे जो अपने पत्तों को शेड कर देते हैं कुछ ऐसे ट्रीज होंगे जो अपने पत्तों को शेड नहीं करते तो इट विल हैव बोथ द है ठीक है बोथ द करेक्टरिस्टिक्स तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट ऑफ द रीजन डेफिनेटली लेस रेनी पार्ट में मिलेगा अगर ज्यादा रेनी पार्ट होता तो भैया पूरा ही एवरग्रीन होता तो अगर वहां पे मोर देन 175 अगर वहां पे सेंटीमीटर रेनफॉल है तो यहां पे डेफिनेटली इट वुड बी लेस देन 175 सेंटीमीटर अगर वहाँ पे मॉनसून जो है फाइव मंथ्स के लिए रेस्ट लास्ट कर रहा है तो यहाँ पे मॉनसून कैन बी लास्ट फॉर फोर मंथ्स और लेस देन दैट कोई कंडीशन जो है थोड़ी सी हम लोग कम कर देंगे दीज फॉरेस्ट आर द मिक्सचर ऑफ वेट एवरग्रीन एंड द डेडियस फॉरेस्ट देखो वही मैंने आपको बताया वेट एवरग्रीन में क्या है वो हमेशा ग्रीन रहेगा डेसीडियस में क्या है दे विल दे शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन और सेमी एवरग्रीन में क्या होगा कुछ तो भैया विंटर सीजन में पत्ते झाड़ देंगे कुछ नहीं झाड़ेंगे इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ लोकेश कहाँ पे है वही वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार आईलैंड एंड द ईस्टर्न हिमालयस ठीक है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर मॉइस्ट मतलब रेनफॉल इज हाई डेसीडियस मतलब decidious का मतलब क्या है ट्रीज विल शेड देयर लीव्स। व्हाई दे शेड देयर लीव्स? बिकॉज दे डोंट हैव मच मॉइस्चर देखिए सीधी सी बात है <clears throat> जब आपके पास खाने पीने का बहुत सारा सामान होगा ठीक है यू विल टेक लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू विल ईट लॉट ऑफ फूड बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्कॉसिटी तो आपको जब खाने पीने का बहुत कुछ होगा तो ओबेसिटी भी आएगा कि नहीं आएगा यू विड भी इधर यू विल बी ओबीज और इधर यू वुड भी वेरी वेरी हेल्थी ऑल्सो तो समथिंग हैपन्स विद द ट्रीज ऑल्सो सो इफ दे हैव एनफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, इफ दे हैव एनफ वॉटर, इफ दे हैव एनफ लाइट फॉर द फोटोसिंथिस सो वट डू यू थिंक वुड बी द करेक्टर ऑफ द ट्री और करेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली इट वुड बी लश लश ग्रीन अब जब उसके पास किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी तो वो तो फुली ग्रो करेगा ही करेगा राइट right? लेकिन जैसे ही उसके पास किसी चीज की कमी हुई तो वैसे ही वो क्या करेगा वो अपने पत्तों को झाड़ देगा क्योंकि पत्तों को मेंटेन करना इज अ वेरी कॉस्टली टास्क पत्तों को मेंटेन करने का मतलब यह है कि यू विल शुड हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर इफ यू हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर इन योर सॉयल ओनली देन ट्रीज कैन अफोर्ड हैविंग ब्रॉड एंड थिक लीव्स क्योंकि लीवस क्या करते हैं दे डू ट्रांसपीरेशन वो मॉइस्चर को जो है रिलीज करते हैं वॉटर पेपर्स को रिलीज करते हैं अगर आपके पास मॉइस्चर ही कम होगा तो आप अपने पत्तों को झाड़ दोगे सो दैट यू कैन सरवाइव यू कैन सरवाइव तो देखिए पे मतलब यही है ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर मोइस्ट मतलब रेनफॉल होगा डेसीडियस मतलब पत्ते झाड़ेंगे पत्ते झड़ेंगे, ठीक है इसका मतलब है कि मोइस्ट तो होगा लेकिन इतना भी मॉइस्ट नहीं होगा कि वो एवरग्रीन हो जाए मोइस्ट तो होगा लेकिन इतना भी वो मोइस्ट नहीं होगा कि एवरग्रीन हो जाए और इसका मतलब यह भी है कि यहां पे मॉनसून का पीरियड भी कम होगा अगर वहां पे मॉनसून एवरग्रीन में अगर पांच महीने के लिए चल रहा है तो हो सकता है यहां पे वो सिर्फ 3.5 पॉइंट फाइव के लिए ही चले ठीक है तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है दे शेड देयर लीव्स व्हेन मॉइस्चर इज लेस डेफिनेटली इसी तो लिए तो डेसीडियस है दैट इज द मीनिंग ऑफ बिंग डेसीडियस एवरेज रेनफॉल हंड्रेड टू 200 हंड्रेड वहां पर कितना था मोर देन वन सेवनटी फाइव इट मे लीड टू टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड ऑल्सो तो यहां पर उससे थोड़ा सा कम है थोड़ा सा कम होने का मतलब यह है कि ड्राई नहीं होंगे अगर बहुत ज्यादा कम होगा तब ड्राई होंगे थोड़ा सा कम है तो मॉइस्ट होंगे ठीक है एक होती है कंडीशन वेट और इससे थोड़ी सी कम डिग्री होती है मोइस्ट वेट मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा कम रेनफॉल गेटिंग फिर एक आता हमारा ड्राई ड्राई, ड्राई मतलब काफी कम रेनफॉल तो ये मोइस्ट है ये वेट नहीं है ऊपर वाला आपका वेट है ये देखो ये वेट है रेनफॉल इज वेरी हाई मोर देन 175 सेवेंटी फाइव यहां पे इट इज मॉइस्ट तो इट इज हंड्रेड टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है एवरेज टेम्परेचर इज 27 सेवन डिग्री सेंटीग्रेड अब टेम्परेचर तो हाई होगा ही क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं डेफिनेटली लोकेशन क्या है थ्रू आउट इंडिया इट इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जैसे आपका राजस्थान हरियाणा पंजाब ठीक है वहां पे आपको ये नहीं मिलता है वाई टेम्परेचर तो यहां पे होगा ओके दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड रेनफॉल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है टेम्परेचर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दिस ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक्स जिनका तना होता है वो मोटा होता है आज यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रंक है इट इज़ वेरी ब्रॉड ठीक है तो क्या सिर्फ वहाँ पे बड़े ट्रीज ही मिलेंगे नो no, छोटे भी मिलेंगे डेफिनेटली है ना भैया वो अपने अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे ठीक है तो स्मॉलर ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड देयर ठीक है लोअर लेयर में अब यहाँ पे लो लेयर जो हैं कम होंगी हार्डली दो लेयर होंगी लेकिन वेट वाले में देअर वर फोर और फाइव लेयर्स ठीक है कौन कौन से ट्रीज़ हैं यहाँ पे टीक साल मैंगो बैम्बू एंड रोजवुड ये हमारे यहाँ पे मेजर प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं ट्रीज हैं ठीक है तो आपको ये याद करना पड़ेगा चलिए फोर्थ हमारा आता है लिट्टोरल लिट्टोरल का मतलब होता है जहाँ पे कंडीशन जो हैं कंडीशनर स्वैम्पी, दीज एरियाज आर वाटर लॉग्ड एरियाज वॉटर जो है वो सरफेस के काफ़ी क्लोज होता है या फिर दीज दीज एरियाज़ आर कंप्लीटली ड्राउंड इन वाटर ठीक है जैसे आपका कोस्टल एरिया में आपका कोस्टल एरिया में ये आपकी जो लेक्स होती हैं आपके जो बीच होते हैं ठीक है वहाँ पे आपको मिल क्या देखने को मिलता है स्वंप्स देखने को मिलते हैं मार्शलैंड देखने को मिलती है मार्शलैंड दलदली जमीन देखने को मिलती है या तो वो एरिया जो है कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं या फिर वो कभी कभी साल में जो है कभी कभी सब होते हैं कंप्लीटली कभी कभी वहां पे मडी कंडीशंस होती हैं ठीक है वेटलैंड बेसिकली दीज आर वेटलैंड्स तो लिटोरल फॉरेस्ट एंड स्वम्प फॉरेस्ट आर आल्सो कोल्ड वेटलैंड फॉरेस्ट पे मिलता है अंडमान निकोबार में डेल्टा रीजन में डेल्टा रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कृष्णा गोदावरी वो सब डेल्टा इसमें आ गया ठीक है और कुछ लेक्स पे आपको देखने मिलता है जैसे चिल्का लेक चिलका लेखा है ओडिशा में है उड़ीसा में उड़ीसा में ठीक है तो यहाँ पे आपको ये देख कश्मीर और लद्दाख वगैरह के अंदर जो लेक्स हैं वहाँ पे भी आपको देखने को ये मिलते हैं जैसे आपका जो है डल लेक हो गया वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोंगसो लेक हो गया ठीक है सोमरूरी हो गया उस तरह के लेक्स पे आपको ये देखने को मिलता है चिल्का लेक क्या है ये है उड़ीसा में दिस इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया ऑल्सो ठीक है रामसर वेटलैंड भी है ये चलिए ट्रीज कौन से मिलेंगे आपको विस्लिंग पाइंस मैंग्रोव ट्रीज ठीक है मैंग्रोव तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा पाम ट्रीज आपको ये देखने को मिलता है अगर आप साउथ इंडिया में केरला वगैरह में जाओ तो वहां पे अगर आप कोस्टल एरिया में जाते हो तो यू विल, यू विल सी लॉट ऑफ पाम ट्रीज ठीक है पाम ट्रीज और इस पिक्चर में आप यहां पे देख सकते हो कि ये ये क्या दिख रहा है आपका ये ये इसके रूट्स हैं दीज आर द रूट्स दीज आर द रूट्स तो क्या ये बटरेस रूट है दे आर लुकिंग लाइक अ बटर एस रूट बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन देन द बटर एस रूट ये फंक्शन नहीं है इनका मेजर फंक्शन ये नहीं है मेजर फंक्शन इनका कुछ और है क्योंकि देखिए जो मेन रूट्स हैं वो तो पानी के नीचे होंगे पानी के नीचे होंगे तो जो ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं दे दे आर नाट वेरी मच आई वुड से एफ्लुएंट इन इन एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर तो वो क्या करते हैं सो दैट इज़ वाई ये जो रूट्स होते हैं कुछ रूट्स बाहर भी होते हैं फॉर एयर ताकि उनको एयर मिल सके ठीक है एयर मिल सके फोटोसिंथेसिस में इनकी हेल्प हो सके तो कुछ रूट्स आपको पानी के नीचे देखने को मिलते हैं कुछ रूट्स आपको जो है पानी के बाहर देखने को मिलते हैं ये इनका करेक्टर होता है ठीक है तो ये जो इनके जो रूट्स होते हैं दे आर लाइक ए स्पॉन्ज स्पोंज क्या करता है इट कैन अब्जोर्व लॉट ऑफ वाटर तो स्पॉन्जी होते हैं ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ले सकें ठीक है न्यूट्रिएंट्स को ले सकें देखिए पानी के अंदर उनका दम घुट जाता है इसलिए कुछ रूट्स बाहर होते हैं ताकि वो वो जो है रेस्पिरेशन कर सकें प्रॉपरली एरेशन कर सकें ठीक है अब क्योंकि ये लिटोरल एरियाज़ में पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं तो वो वहाँ पे वाटर तो फ्रेश नहीं होता है वहाँ पे तो वाटर जो है सोल्टी होगा तो ये इसका मतलब क्या है दे हैव डेवलप्ड डेम इन सच अ वे दे कैन टोलरेट सोल्ट ऑल्सो ठीक है सोल्ट टोलरेंट स्पीसीज होते हैं सोल्ट टोलरेंट स्पीसीज होते हैं और सोल्ट टोलरेंट स्पीसीज को जो है सोल्ट टोलरेंट स्पीसीज होते हैं इनकी खास बात यह होती है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं सोल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है और जो ज़्यादा सोल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं जैसे यहाँ पे हमारे कोस्टल एरिया है है ना ये हमारा जो है यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा आ गया यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा आ गया यहाँ पर महानदी का डेल्टा देखिए जहाँ जहाँ पे आपको डेल्टा रीजन देखने को मिल रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको लिटोरल और स्वम्प फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज ये सोल्ट टॉलरेंट होते हैं सोल्ट टॉलरेंट होते हैं सोल्ट टॉलरेंट ट्रीज को हम लोग जो है फाइट्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं हलो फाइट्स इट्स अ वेरी न्यू टर्म एग्जाम में कई बार वो आपसे पूछ लेता है दे दे आर आर इंडिया में में जो है में, इंडिया इंडिया जैसा कि आप यहाँ पे लोकेशन में देख सकते हो ठीक है देर आर लॉट ऑफ लॉट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया काफी ज्यादा पाए जाते हैं बिकॉज इंडिया में जो है अराउंडी वन हंड्रेड सिक्सटी वन हंड्रेड किलोमीटर भैया इंडिया की कोस्ट लाइन है मेनलैंड कोस्ट लाइन तो इट्स अ ह्यूज कोस्ट लाइन अब कोस्ट लाइन ह्यूज होगी तो मैंग्रोव भी ह्यूज होगा राइट right? तो वर्ल्ड का सेवन परसेंट मैंग्रोव जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है सो इट्स अ गुड न्यूज बट बट इट्स अ गुड न्यूज़ इन दिस सेंस बट इट्स अ बैड न्यूज़ इन द सेंस दैट वी आर लूजिंग आवर मैंग्रोवस बिकॉज ऑफ द डिवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज ठीक है तो इनको बचाने के लिए जो है रामसर कन्वेंशन है एक रामसर कहाँ पे है इट्स अ सिटी इन ईरान इट्स अ सिटी इन ईरान तो ईरान में इस सिटी में रामसर में कन्वेंशन हुआ था जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं वर्ल्ड ओवर जितने भी इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं जो हमारी लेक्स हैं ये उनको प्रिजर्व करने का काम करते हैं ठीक है इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एंड इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन तो बाद में हम लोग जब कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो आई विल गो इन टू मच डिटेल्स ठीक है तो लिटोरल जो फॉरेस्ट होते हैं तो जो है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर से जो है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर तक जो है वो जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया सोइल जो है सैंडी होगी डेफिनेटली जब बीच एरिया में होगा तो सैंड तो होगी ही ठीक है सैंडी होती है इट इज फुल ऑफ सोल्ट कोस्टल एरिया में तो सोल्ट तो होगा ही बट इट इज पुअर इन नाइट्रोजन इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन बट इट इज़ वेरी रिच इन सॉल्ट ठीक है कौन कौन से प्लांट तो होते हैं यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हो लिट्टकोरिस स्पिनिफेक्स एंड कैसुरनिया ठीक है ये आपको प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं टाइडल फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को है? forest मिलते हैं टाइडल फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं बिकॉज ये आपको टाइडल एरिया टाइडल एरिया मतलब जहाँ पे एश्यूरीज और जहाँ पे डेल्टा रीजन आपको देखने को मिलता है डेल्ट दे, एश्चुरी और डेल्टा में आपको मैंग्रोव देखने को मिलते हैं मैंग्रोव देखने को मिलते हैं देखिए ये जितने भी बीच एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी बीच एरिया जो है आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट हो जा तो जितने भी बीच एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो देखिए जितना भी सिक्सटी वन हंड्रेड किलोमीटर की हमारी जो कोस्ट लाइन है ठीक है डेफिनेटली बीच तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही बट क्या आपको हर जगह पे टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं नो नो टाइडल फॉरेस्ट आपको सिर्फ वहीं पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे जो है एस्चुरीज़ हैं और जहाँ पे जो है डेल्टाज हैं ठीक है जहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा डार्क दिखा रखा है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल दीज आर योर डेल्टाज एस्चुरीज ठीक है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट लेकिन ये बीच वाला जो एरिया है ये इट्स अ बीच एरिया राइट इट्स अ बीच एरिया क्या यहां पे आपको मैंग्रोव दिख रहे हैं नो no. ठीक है यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है यहां पे आपको देखने को मिलता है बीच फॉरेस्ट तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीच फॉरेस्ट एंड द टाइडल फॉरेस्ट बीच फॉरेस्ट आपको जो है सी बीच और रिवर बीच पे देखने को मिलता है ठीक है कभी कहीं जगह डेल्टा पे भी और ये मेजरली आपको डेल्टा और एश्युरी रीजन में देखने को मिलता है ठीक है चलिए कौन कौन से ट्रीज हैं बेसिकली पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है ठीक है सोल्ट वाटर फॉरेस्ट ब्रैकिश वाटर एंड ऑल दैट चलिए तो मैंग्रोव जो है इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉरेस्ट मैंग्रोव की डिटेल मैं आपको बाद में भी कराऊंगा ठीक है इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ द डे बट येस थोड़ा सा आप देख सकते हो मैंग्रोव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन ठीक है कहाँ पे पाया जाता है इंटर टाइडल रीजन इंटर टाइडल रीजन जहां पे हाई टाइड और लो टाइड आती हैं ठीक है या फिर आपका एश्च्री और डेल्टा वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है कहाँ पे होगा ये जहां पे फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर मिक्स होता है देखिए अगर गंगा यहां से देखिए आ रही है गंगा यहां से आ रही है यमुना यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है तो यहां पे ये यह बना रही है डेल्टा अब दीज रिवर्स आर ब्रिंगिंग वेरी फ्रेश वाटर बट यहाँ पे बे ऑफ बेंगोल में क्या है यहाँ पे सोल्ट वाटर है सो तो डेल्टा रीजन में क्या है इट्स अ इंटर मिक्सिंग ऑफ सोल्ट वाटर एंड द फ्रेश वाटर ठीक है तो यहाँ पे मिलता है आपको ब्रैकिश वाटर या सलाइन वाटर देखने को मिलता है जहां पे इनकी ग्रोथ होती है सोल्ट टोडरेंट प्लांट्स होते हैं क्योंकि जब सोल्ट मिलेगा तो सोल्ट टोलडोरेंट तो हो गई भैया अगर सोल्ट को टोलरेंट नहीं कर पाओगे तो आप भी यहां पर ग्रो नहीं कर पाओगे सो दैट इज़ दर कोल्ड हलो फाइट्स दे आर कोल्ड हलो फाइट्स तो यहाँ की जो रूट्स मैंने आपको दिखाया है देखिए ये है पे स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स है ना ये रूट जो हम लोगों ने देखे हैं दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स जो एक बड़ी ही यूनिक करेक्टर है मैंग्रोव फॉरेस्ट का इट्स अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट द मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक है इसको क्या बोलते हैं इन रूट्स को बोलते हैं न्यू मैटोफोर्स न्यू मेटोफोर्स ठीक है फोर फोर से आप बोल सकते हो पोर ठीक है आपको पहले ही बताया कि स्पॉन्जी नेचर के होते हैं स्पॉन्जी होता है इनका जो तना होता है इनके जो 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 स्ट्रक्चर होता है जो जो ये बॉडी होता है इट्स अ स्पॉन्जी काइंड स्पोंजी काइंड और इनमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ठीक है इनके जो है सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये पोर्स क्यों होते हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्टी वाटर होता है तो हमारा जो ट्री है वो सोल्ट को तो कंज्यूम नहीं कर सकता उसको तो एब्जॉर्व नहीं कर सकता तो ये पोर्स का यूज़ किस लिए करता है इट कैन एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा सोइल सोल्ट जो अनवॉन्टेड सोल्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है ईजिली ठीक है तो उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स दिस काइंड kind ऑफ of रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स और इनकी एक और खास बात है इन ट्रीज़ की जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है पर्सनली वो क्या है देखिए यहाँ पे अगर ये रूट्स आपको दिख रहे हैं तो इन रूट्स में क्या हो रहा है नीचे तो वॉटर है तो सपोज़ अभी जो है ये वाटर जो है अपने सीड्स को जो है वो यूज़ करने वाला है सीड्स को किस लिए यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन फॉर रीग्रोथ राइट तो रिप्रोडक्शन के लिए सपोज इस ट्री ने कोई सीड को जो है यहाँ पे पानी के अंदर गिरा दिया तो क्या वो पानी के अंदर ग्रो करेंगे नो दे कैन नॉट ग्रो देयर because they need a land surface they need a surface they need need a surface to stay on so that they can grow to so ye trees kya karte hain wo apne trees ko is, is seeds ko kuch to pani mein girenge doesn't matter they will die but ye seeds ko jo hai apne branches ke upar hi jo hai unko settle down karte hain और वो seed क्या करेंगे? rather than growing from the water they will grow on the branches of the same tree इस tree की branch के ऊपर ही वो grow करेंगे. और एक बार वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं उनको चलने के लिए छोड़ देते हैं कि भैया आप जब चलो खाओ पियो मौज करो अपने आप ही रेस्ट करो अपने आप खुद को सर्वाइव करो ठीक है हमारा काम क्या था आपको पैदा करना आपको पाल पोस के एक एज तक लेके आना वो हमने कर दिया है तो समथिंग हैपन्स विद दिस ट्रीज ऑल्सो ठीक है तो बाद में जब थोड़े बड़े हो जाते हैं दे विल फेल डाउन लाइक दिस यहाँ पे एंड देन दे कैन सर्वाइव देन दे कैन सर्वाइव इट्स अ वेरी यूनिक करेक्टर ठीक है इसे क्या बोलते हैं इस इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये काफी रिप्रोडक्शन का बहुत ही यूनिक मेथड है जिसे बोलते हैं वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है वी -वी अभी हमारे लिए गुड न्यूज है कि 2019 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया है 2019 में उसके अकॉर्डिंग इंडिया में मैंग्रोव्स का जो एरिया है वो ग्रो किया है पहले से ज्यादा ठीक है वो ग्रो किया है तो इट्स अ गुड न्यूज अस ठीक है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 मैंग्रोव्स कवर इन द कंट्री इंक्रीज बाय 54 स्क्वायर किलोमीटर हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल ठीक है आंध्र प्रदेश ने जो है मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको प्रिजर्व करने के लिए वन संरक्षण समिति जो है उसको बनाया है वन संरक्षण समिति बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो आपको यह पता होना चाहिए ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स फिफ्थ टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है आपका ड्राई ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट देखिए ड्राई से मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेनफॉल कम है डेसीडियस से मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ के ट्रीज जो है वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं इन द विंटर सीजन ठीक है विंटर सीजन तो दीज आर ग्रोन इन लो एनुअल रेनफॉल एरिया डेफिनेटली वो तो बात है ही फाइव टू सिक्स ड्राई मंथ्स बाकी मंथ जो है ड्राई होते हैं ठीक है एनुअल साइकिल में न्यूट्रिएंट पोअर सॉइल होती है देखिए अगर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती तो शायद वो डेसीडियस ना होते है. ठीक है मे बी वो सेमी एवरग्रीन हो सकते थे ठीक है रेनफॉल कितना है सेवनटी टू हंड्रेड देखिए हर बार जो है रेनफॉल कम होता चला जा रहा है इस बार सेवेंटी टू हंड्रेड वेट वाले में कितना था वन सेवेंटी फाइव मोर देन वन सेवेंटी फाइव मोर देन वन सेवनटी फाइव ठीक है सेमी एवरग्रीन में कितना था लेस देन वन सेवनटी फाइव यहां पर कितना है ओनली सेवेंटी टू हंड्रेड सेंटीमीटर देखिए रेनफॉल का डायरेक्ट रिलेशन है मोर रेनफॉल मोर ग्रीनरी लेस रेनफॉल लेस ग्रीनरी ठीक है दे विल दे विल फॉल देयर लीव्स एंड दे विल शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन तो पहले हमारे पास आता है समर समर के बाद आता है ऑटम ऑटम के बाद आता है विंटर और विंटर के बाद आता है स्प्रिंग विंटर के बाद आता है स्प्रिंग ठीक है तो समर में क्या है हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल एकदम से ग्रीनरी होती है चारों तरफ ऑटम में क्या होता है लेस मॉइस्चर लेस रेनफॉल तो जो ट्रीज होते हैं दे विल चेंज द कलर ऑफ देयर लीव्स है ना वो गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं अब वो ग्रीन ऐसे पूरा ग्रीन पत्ता तो नहीं गिरेगा नीचे पहले वो सूखेगा है ना सूखने के बाद ही तो गिरेगा तो ऑटम में क्या होता है जो लीव्स होते हैं दे स्टार्ट्स ड्राइंग एंड दे स्टार्ट चेंजिंग देयर कलर सो दे विल चेंज इन टू और ब्राउनिश ठीक है एंड विंटर so में ऑल दट लीव्स विल फेल डाउन फ्रॉम द प्लांट बिकॉज प्लांट कैन नॉट अफोर्ड हैविंग ट्री because बिकॉज अगर वो पेड़ पे रहेंगे तो भैया वो ट्रांसपीरेशन करेंगे और मॉइस्चर है नहीं है वहाँ पे, तो विंटर में दे विल शेड देयर लीव्स बट स्प्रिंग में दे विल अगेन ग्रो और उसके बाद फिर वो समर में पानी पूरा आ जाता है सो दैट इज द थिंग ठीक है लोकेशन कहाँ पे है नॉर्थ इंडिया मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु और चीजें देखिए जहाँ जहाँ पर आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ना ये है आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ड्राई ड्राइडियस फॉरेस्ट ही पाया जाता है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है तो इंडिया में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है बिकॉज इंडिया में चार पांच महीने के लिए मानसून होता है उसके बाद सात आठ महीने तो ड्राई होते हैं ना तो जहां पर ज्यादा ड्राई होगा तो डेफिनेटली ड्राई डेसिडियस ही मिलेगा ठीक है तो ड्राई डेसिडिस फॉरेस्ट जो है दे आर ऑल्सो कुड मानसून देखिए वही बात होगी जो मैंने अभी बोला था मॉनसून ठीक है चार पांच महीने के लिए मानसून आता है उसके बाद तो ये ड्राई रहते हैं तो ये मानसून के टाइम में जो है दे ग्रो दैट इज वाई दे आर कोल्ड मानसून फॉरेस्ट ऑल्सो मानसून तो रेनी सीजन का जब एंड होता है या जब विंटर स्टार्ट होती हैं ऑटम में जो है दे विल शेड देयर लीव्स ठीक है क्या क्या मिलता है यहाँ पे टेंडू साल पलास बेल खेर पीपल नीम ये सब यहाँ पे मिलता है लायन टाइगर पिग डियर एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है लायन टाइगर के लिए जो है इंडिया वैसे पहले से ही फेमस है ट्रॉपिकल right. थोन फॉरेस्ट देखिए थोन ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर थोन मतलब वेरी लेस रेनफॉल तभी तो थोन नहीं है तो रेनफॉल जितना ज्यादा होता चला जाएगा हमारे लीव्स जो हैं ब्रोड होते चले जाएंगे थिक होते चले जाएंगे लेकिन रेनफॉल जितना कम होता चला जाएगा वो थिन होते चले जाते हैं और जब बाद में रेनफॉल बहुत कम हो जाता है तो पत्ते की जगह वो सिर्फ कांटा होता है वहां पे इट इज जस्ट अ थोन ठीक है तो ट्रॉपिकल थोन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा रेनफॉल इज़ लेस देन 75 सेंटीमीटर बहुत ही कम हो गया ठीक है ह्यूमिडिटी इज़ लेस देन 50 परसेंट एंड टेम्परेचर इज 25 टू तो 30 परसेंट इस तरह की कंडीशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है आपको देखने को मिलती है राजस्थान में ठीक है राजस्थान में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रॉपिकल थोन में ये जो कलर है कलर कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हो ठीक है तो ये जो कलर है यहाँ पे ये है आपका ट्रॉपिकल थोन वाला कलर है ठीक है ये जो है आपका ट्रॉपिकल थोन वाला कलर है ये राजस्थान में आप देख सकते हो ठीक है थोड़ा पार्ट ऑफ राजस्थान पंजाब थोड़ा पार्ट ऑफ राज हरियाणा ठीक है दिस इज यूर थोर्नी अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो राजस्थान में तो समझ में आता है ठीक है बट यहाँ पे क्यों है यहाँ पे इसलिए है अभी ये मैंने आपको बताया था ओरोग्राफिक रेनफॉल होता यहां है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ जो है वो ड्राई रीजन है इट्स अ ड्राई रीजन ठीक है इट्स लाइक अ हॉकी इट लुक्स लाइक अ हॉकी ठीक है इट्स अ ड्राई रीजन बिकॉज ऑफ़ द रेन shadow एरिया भैया ये रेन शेडो एरिया है ठीक है यहाँ पे रेन्स आती ही नहीं है वाई सारा पानी तो जो है मुंबई की तरफ चला जाता है पुणे की तरफ तो बचता ही कुछ नहीं है ठीक है पुणे लातूर एंड ऑल दैट लातूर में आपको पता ही कुछ टाइम पहले जो है पानी इतना कम हो गया था कि हमें ट्रेन भेजनी पड़ी थी पानी की भर भर के यहाँ पे, ठीक है कंडीशन आर वेरी एरिड तो राजस्थान साउथ वेस्टर्न पंजाब वेस्टर्न हरियाणा कच्छ नेबरिंग पार्ट्स ऑफ द सौराष्ट्र ठीक है ये सौराष्ट्र वाला पार्ट ही है जो आपको मैंने बताया अभी ठीक है तो कुछ सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु तो ऑल्सो तमिलनाडु का फिर भी कम है बट सम पार्ट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है ठीक है प्लांट्स कौन कौन से हैं खेर नीम बबूल थोर कैक्टिक खेजरा केंजू एट्सेट्रा एट्सेट्रा खेजरी इज़ वेरी फेमस इन राजस्थान खेजरी की सब्जी भी खाते हैं लोग वहाँ पे ठीक है तो कीकर वगैरह देखने को मिलती है ठीक है तो ये मेजरली ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट ठीक है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन ये बहुत ही यूनिक करेक्टर है सबसे ज़्यादा अगर कोई यूनिक फॉरेस्ट है तो वो ये है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर ड्राई मतलब लो रेनफॉल अब ट्रॉपिकल हाई टेम्परेचर भी है लो रेनफॉल भी है तो टेम्परेचर कोई या तो ये डेसीडियस होने चाहिए थे या फिर ये थोरनी होने चाहिए थे बट स्टिल डिस्पाइट हैविंग हाई टेम्परेचर डिस्पाइट हैविंग लो रेनफॉल फॉरेस्ट आर स्टिल एवरग्रीन सो दिस इज अ वेरी यूनिक करेक्टर और यह बहुत ही गिनी चुनी जगह पर मिलता है इंडिया में बहुत ही कम जगह पर मिलता है कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका कोस्ट यहां पर आपको ये देखने को मिलता है यहां पर यह आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है ये अब इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या इसका रीज़न ये है कि इन एरियाज़ में जो है समर में जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड चलती हैं तो दे डोंट कोज़ एनी रेनफॉल यहाँ पे तो ये वाला एरिया आपका ड्राई होता है दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राई क्योंकि ये न तो जो जो अरेबियन ब्रांच वाला होता है वो तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ रेनफॉल करता है जो बे ऑफ बेंगोल ब्रांच है वो यहाँ पे रेनफॉल करती है बाद में यहाँ पे रेनफॉल करती है ये एरिया तो ड्राई रह जाता है ना बट जब रिटर्निंग माउंसैन होती है जिसको विंटर मानसून भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट माउंटेन भी बोलते हैं <coughs> जब रिटर्निंग विंटर में ये विंड जब उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं लाइक like यहां से चलती हैं जब मानसून विंड जो है रिटर्न करती हैं तो उनके डायरेक्शन ये होती है तो जब ये विंड चलती हैं इस तरह से देन दे पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बेंगोल एंड दे कोज रेनफॉल इन दीज एरियाज़ तो इन एरियाज की खास बात यह है कि यहां पे विंटर में रेनफॉल होता है रिटर्निंग मॉनसून के टाइम पे रेनफॉल होता है जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहां पे रेनफॉल होता है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड होती है उनकी वजह से यहां पर रेनफॉल होता है इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड इवन जनवरी ऑल्सो तो समर में रेनफॉल नहीं होता विंटर में रेनफॉल होता है और विंटर ही वो कंडीशन होती है जब वो अपने पत्ते शेड करते हैं देखिए समर में तो वैसे ही शेड नहीं करते और विंटर में क्यों शेड करते थे क्योंकि मॉइस्चर कम होता था लेकिन यहां पे तो विंटर में भी मॉइस्चर बहुत सारा है क्योंकि रेनफॉल हो रहा है और समर में लोग वैसे ही शेड नहीं करेंगे बिकॉज हवा में वैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा होता है बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा होता है वैपोरेशन ज़्यादा होता है ऊपर से मानसून भी है है ना तो थोड़ा बहुत तो मानसून के टाइम में भी होता होगा डेफिनेटली विंटर में ज्यादा होता है लेकिन क्या समर यहाँ पे कंप्लीटली ड्राई है नो कंप्लीटली ड्राई तो होते नहीं है कभी कभी साइक्लोन्स भी आते हैं है ना तो कभी कभी जो है बेओबेंगोल में जब साइक्लोन्स आते हैं तो वो इस तरफ ट्रेवल करते हैं तो दे प्रोवाइड सम मॉइस्चर तो समर में जो है वो साइक्लोनिक टाइप से मॉइस्चर हो रहा है विंटर में जो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड की तरफ से मॉइस्चर हो रहा है तो समर और विंटर में दोनों में जो है देर इज एनफ मॉइस्चर सो दैट इज वाई ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स

बिटवीन 100 एंड 150 सेंटीमीटर मतलब तो तो थाउजेंड एमएम समझ लो या 100 से 150 सेंटीमीटर समझ लो सो so, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वेट एवरग्रीन होंगे लेकिन इतना भी कम नहीं है कि ये डेसिडियस होंगे क्योंकि डेसीडियस क्यों नहीं है क्योंकि विंटर में भी रेनफॉल हो रहा है अगर विंटर में रेनफॉल ना होता तो फिर ये डेसिडियस होते सो इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरेस्ट वीच आर फाउंड इन इंडिया दे आर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द विच ऑफ द दिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट यूनिक फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया तो उसमें उनको ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल भी हैं ड्राई भी हैं फिर भी एवरग्रीन है एवरग्रीन होने का सिर्फ एक ही कारण है क्या है समर में भी रेनफॉल होता है थोड़ा बहुत और विंटर में भी होता है थोड़ा ठीक है फ्लोरा क्या क्या है खिरनी जामुन रीठा टेमरिन ठीक है टोडी पाम, नीम एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है एक दो याद कर लो सब याद करने की जरूरत नहीं है एक दो में काम हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इज सब ट्रॉपिकल ब्रोड लीव फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल ब्रोड लीव फॉरेस्ट ब्रोड लीव का मतलब क्या है ब्रोड लीव का मतलब यह है कि मॉइस्चर यहाँ पे अच्छा खासा होता होगा तभी उसका मतलब ही ब्रॉड लीव है ठीक है तो देखिए लिखा हुआ है एवरेज ह्यूमिडिटी इज 80 परसेंट तो एवरेज ह्यूमिडिटी 80 परसेंट का मतलब यह है कि मॉइस्चर यहां पे काफी ज्यादा है मॉइस्चर ज्यादा है वो इसीलिए ब्रॉड लीव है और सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है सब ट्रॉपिकल मतलब यह है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है इट इज माइल्ड तो ट्रॉपिकल में जहां पर आपका टेम्परेचर जो है वो अराउंड थर्टी होता है थर्टी से थर्टी

यहां पे क्या मिलेगा टेम्परेट ऊपर क्या मिलेगा अल्पाइन तो ऑल्टीट्यूडनली भी जो है आपको ये सेम कंडीशन देखने को मिलेंगी तो जब यहां पे वर्ड आ गया सब ट्रोपिकल इसका मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ओल्टीट्यूड पे होंगे ग्राउंड पे तो नहीं होंगे अगर ग्राउंड पे होते तो ट्रोपिकल होते अब वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं कंडीशन थोड़ी सी ठंडी हो रही है और आपको यह पता है कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूडली ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर जो है एटीन ट्वेंटी वन होगा तो ये थोड़ा सा हाइट पे होगा कितनी हाइट पे होता है थाउजेंडी सेवेंटी टू फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीटर इस हाइट के बीच में जो है सब ट्रॉपिकल ब्रोड लीव फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ पे नीलगिरी हिल्स और पालनी हिल्स नीलगिरी और पालनी हिल्स नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो मर्ज करते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मर्ज करते हैं वहाँ पे आपको मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ ठीक है तो नीलगिरी का हाइएस्ट पीक कौन सा है डोडा बेटा डोडा बेटा ठीक है यहीं पर जो ऊटी हिल स्टेशन है आपने फिल्मों वगैरह में सुना होगा तो ये भी नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पाया जाता है ठीक है यहां पे आपका एक जो है नेशनल पार्क है साइलेंट वैली साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो भी यहीं पे है ठीक है तो यहां पे आपको क्या मिलता है सब ट्रॉपिकल ब्रोड लीव फॉरेस्ट व्हाट इज द फ्लोरा फ्लोरा है भैया आपका ओक चेस्टनट बर्च एंड द चेरी ट्रीज चेरी ट्रीज ठीक है नेक्स्ट आपका सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट देखिए सब ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर इज लेस नॉट ओनली टेम्परेचर बट इट विल बी फाउंड ऑन सम ऑल्टीट्यूड है ना तो ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा पाइन पाइन ट्रीज मतलब ये जो ट्रीज होते हैं आपके दे आर यूर पाइन ट्रीज लोकेशन कहाँ पे है एट द हाइट ऑफ द वेट हिल्स फॉरेस्ट लाइक थाउजेंड से टू टू थाउजेंड के बीच में आपको देखने को मिलता है कहाँ पे जो आपका लॉन्गिट्यूड है सेवेंटी थ्री ईस्ट से लेके एटी एट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में आपको ये पाया जाता है इन वेस्टर्न हिमालयाज़ में भी ये तो बेसिकली आपका ईस्टर्न हिमालय ही है 73 और 88 के बीच में तो कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागा हिल्स खासी एंड मेघालय एट्सेट्रा में आपको सब ट्रॉपिकल फाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है ठीक है चलिए एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा आपको रेज करके दिखाने की कोशिश करूंगा अगर यहाँ पे मिलता है तो ठीक है देखिए कहाँ पे इसने बोला ये वाला पे एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ मेघालय वाला रीजन ये आपको यहाँ पे गारो खासी जयंतिया यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है ठीक है हायर जो है देखिए ये है आपका यूपी यहाँ पे है आपका इलाहाबाद ये है आपका 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गीट्यूड है ना 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गीट्यूड और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे 73 ईस्ट से लेके 82 88 ईस्ट तक ठीक है तो यहाँ पे आपका ये जो है 88 ईस्ट तक जाएगा ये यहाँ पे मेघालय में मिलेगा आपको ये यहाँ पे सिक्किम मेघालय में मिलेगा और यहाँ पे आपका जो कश्मीर वगैरह यहाँ पे हिमाचल उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है ठीक है तो 73 ईस्ट से लेके 73 ईस्ट से लेके 88 ईस्ट के लॉन्गीड के बीच में आपको वेस्टर्न हिमालय सदन साउथ सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एट्सेट्रा देखने को मिलता है व्हाट आर द फ्लोरास आर द ओक ट्री चीर ट्री एंड द रोडोडेंड्रॉन रोडोडेंड्रोन जो है वो थोड़ा सा फ्लावरी टाइप का प्लांट होता है अगर कहीं भी मिलेगा तो हाँ ये ये इसको भी आप रोडोडेंड्रोन वैसे कह सकते हो ठीक है ये जो है आपका दिस इज़ रोडोडेंड्रोन ठीक है थोड़ा फ्लावर्स ही देखने को मिलते हैं थोड़ा सा आप ऊपर जाते हो तो ठीक है चलिए नेक्स्ट इज यूर सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल मतलब एक हाइट पे होगा ड्राई मतलब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन होगा डेफिनेटली ठीक है तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ द भाबर शिवालिक की पहाड़ियों में देखने को मिलता है वेस्टर्न हिमाल्याज में थाउजेंड मीटर की हाइट पे देखिए जब नाम ही लिख दिया इसने सब ट्रॉपिकल तो अंडरस्टूड है कि वो थोड़ी हाइट पे मिलेगा थाउजेंड मीटर्स अबउ सी लेवल भाबर क्या है भाबर जो है इट्स अ प्लेन एरिया जब रिवर जो है आपकी हिमालय से नीचे आती है तो हिमालय की जो फुट हिल्स होती हैं फुट हिल्स तो ये जब प्लेन एरिया में एंट्री करती है हिमालय से तो इसको बोलते हैं भाबर भाबर में क्या होता है जो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं बिग रॉक्स ठीक है वो सेडिमेंट्स होते हैं तो भाबर वाले एरिया में आपको जो है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं भाबर के बाद आपका है तराई तराई के बाद आपका है बांगर और फिर आता है आपका खादर ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बांगर खादर एंड ऑल दैट बट यू नीड टू नो कि भाबर कहाँ होता है जैसे ही हिमालय के जो फुट फुटहिल्स होती हैं यहाँ पर आपको मिलता है भाबर द मोमेंट रिवर्स लीव द माउंटेन्स एंड दे रीच द प्लेन्स द फर्स्ट एरिया विच इज प्लेन एरिया बिहाइंड बियॉन्ड हिमालया इज है. थाउजेंड मीटर की हाइट पे देखने को मिलता है भाबर वाले रीजन में आपको मिलेगा रेनफॉल कितना है फिफ्टी टू हंड्रेड अरे फिफ्टी टू हंड्रेड है तभी तो ड्राई बोल रहे हैं अगर फिफ्टीन और हंड्रेड से ज्यादा होते हैं तो, तो इसको हम लोग मोइस्ट बोलते हैं सो रेनफॉल इज लेस फिफ्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो विंटर्स आर कोल्ड एनफ द द फ्रीक्वेंट फ्रोस्ट फ्रोस्ट यहां पे होता है स्नोफॉल नहीं होता है नो no. स्नोफॉल नहीं होता फ्रोस्ट होता है फ्रोस्ट फ्रोस्ट जो है इट इज द लेसर वराइटी ऑफ लेसर कैटेगरी ऑफ स्नोफॉल ठीक है फ्रोस्ट जो कभी कभी आप सुबह उठते हो विंटर्स के टाइम में जब काफी ज्यादा टेम्परेचर कम होता है तो पत्तों के ऊपर आपने कैसे व्हाइट कलर की लेयर देखी होगी या पानी के ऊपर थोड़े ऐसे व्हाइट कलर की लेयर देखी होगी ना उसको बोलते हैं फ्रोस्ट ठीक है तो फ्रोस्ट होता है डेफिनेटली पे क्योंकि एक हाइट पे है ना तो फ्रोस्ट तो होगा लेकिन थाउजेंड मीटर की हाइट पे क्या स्नोफॉल होगा नो no, नो no, स्नोफॉल नहीं होगा फ्रोस्ट होता है बिकॉज़ इज़ लेस ठीक है तो क्या ये बड़े ट्रीज को सपोर्ट करेगा नो इट कैन नॉट सपोर्ट बिग ट्रीज इट कैन सपोर्ट ओनली सम स्क्रब्स ठीक है थोड़ा झाड़ी पे सपोर्ट कर पाएगा ठीक है तो ओलिव वगैरह को भी करता है सपोर्ट पिस्टेसिया को ठीक है थोड़ा प्लांट्स आपको देख सकते हो क्या आपको हर कैटेगरी में प्लांट्स पे रट्टा मारने की जरूरत है नो no. एक दो कर लो आपके लिए काफी है ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट माउंटेन नाम में ही आ गया आपका माउंटेन मतलब माउंटेन तो हाइट पे मिलेगा वेट मतलब टेम्परे वेट uh, का मतलब देखो वही फिर से वही बात आ गई वेट एक होता है वेट एक होता है मोइस्ट और एक होता है ड्राई सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होगा वेट में फिर कहां पे होगा मॉइस्ट में और फिर होता है ड्राई जब बहुत ज्यादा बारिश होती है बाहर निकलते हो तो आप वेट हो जाते हो पूरे पूरे आपके कपड़े गीले हो जाते हैं जब आप थोड़ी हल्कम कम जो बारिश होती है तो आपके कपड़े पूरी तरह से गीले नहीं होते हैं बट ये थोड़े गीले होते हैं ठीक है और एक होता है ड्राई कंप्लीटली ठीक है तो माउंटेन है मतलब एक हाइट पे मिलेंगे 1800 से थ्री थाउजेंड मीटर के बीच में तो हाइट इस बार थोड़ी सी हम लोगों ने बढ़ा दी मतलब तो है दैट इज दे आर कॉल्ड माउंटेन वेट मतलब रेनफॉल वुड बी हाई टू हंड्रेड सेंटीमीटर से थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर तो रेनफॉल इज वेरी वेरी हाई ठीक है टेम्परेट टेम्परेट क्यों बोल रहे हैं टेम्परेट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कम है कितना टेम्परेचर है इलेवन डिग्री टू फोरटीन डिग्री तो देखिए इसके नाम से ही सब कुछ पता चल जा रहा है इफ यू नो द नेम ऑफ द फॉरेस्ट तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग यू नो अबाउट द फॉरेस्ट माउंटेन मतलब एक हाइट पे होगा वेट मतलब रेनफॉल ज्यादा होगा टेम्परेट मतलब टेम्परेचर कम होगा ठीक है ये कंडीशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेंगी तमिलनाडु के जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां पलानी हिल्स कार्डेम हिल्स है ना वहां पर देखने को मिले हिल्स वहां पर आपको देखने को मिलेगी रीजन ईस्ट ऑफ एटी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया वेस्ट बंगाल वाला एरिया आसाम में सिक्किम में नागालैंड में तो यहां पे जो हिली एरियाज हैं ना वहां पे आपको जो है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ये लेयर्ड होते हैं इनकी एक खास बात यह है कि दे आर ऑल्सो लेयर्ड देखिए वेट जब हम लोगों ने ट्रॉपिकल वेट पढ़ा था वो भी लेयर्ड था है ना ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन दैट वाज आल्सो लेयर्ड ये जो माउंटेन वेट है ना इट इज आल्सो लेयर्ड ठीक है तो वेट वाले याद रख लेना जहां पे वेट होगा इट वुड बी लेयर्ड तो लेयर्ड होता है सबसे ऊपर वाली लेयर में क्या मिलता है कॉनीफेरेस फॉरेस्ट कोस हम लोगों ने पिछली वीडियोज में किया था जहाँ के पत्ते जो है वो कोनिकल होते हैं कौन टाइप के होते हैं इस तरह से नुकीले पत्ते होते हैं दे आर कॉल्ड कोनीफरेस तो ऊपर मिलेगा कोनीफेरेस बीच में मिलेगा आपका डेसीडियस मिडल में वो सबसे नीचे मिलेगा रोडोडेंड्रोन रोडोडेंड्रोन थोड़े से फ्लावरिंग टाइप के प्लांट्स होते हैं ठीक है और देखिए ऊपर जब हमने लोकेशन किया तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ इंडिया दे आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ इंडिया तमिलनाडु केरला वाले हिली एरियाज में मिलता है लेकिन ज्यादा डेंस कहां पे होंगे नॉर्थ इंडिया में होंगे या साउथ इंडिया में होंगे डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ है रेनफॉल के साथ है, है। ज्यादा रेनफॉल कहां पे होगा ज्यादा रेनफॉल कहां पे होगा डेफिनेटली आपका अरुणाचल वाला जो एरिया है अरुणाचल वाला जो एरिया है ठीक है आसाम वाला जो एरिया है ये इट इज ड्रायर ठीक है तो सॉरी ये जो है ज्यादा वेट होता, होता है यहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया बिकॉज यहां पे हिमालय है ना ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होगा यहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है ठीक है तो उसकी वजह से यहां पे बिकॉज रेनफॉल ज्यादा है तो नॉर्थ इंडिया के फॉरेस्ट जो है दे आर डेंसर एज कंपेयर टू सदर्न इंडियन माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट ठीक है चलिए तो प्लांट कौन कौन से यहां पे दिदार चिनोनी इंडियन चेस्टनट बर्च प्लम एटसेट्रा एटसेट्रा दीज आर द मेन प्लांट्स यू कैन फाइंड हेयर ठीक है नेक्स्ट इज योर हिमालयन मोएस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट देखिए हिमालयन है तो हिमालय में पाया जाएगा मोएस्ट है तो यहां पे रेनफॉल भी अच्छा खासा होगा बढ़िया रेनफॉल होगा लेकिन वेट से थोड़ा कम होगा तो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में यहां पे रेनफॉल होता है हिमालयन है टेम्परेट है मतलब टेम्परेट मतलब टेम्परेचर कम होगा ठीक है और हिमालयन है तो मतलब किसी हाइट पे होगा तो यहाँ पे हाइट लिखी हुई है 1500 से लेके 3500 मीटर तक जो है आपको ये फॉरेस्ट माउं हिमालज़ में देखने को मिलते हैं ठीक है कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल उ मतलब उत्तराखंड दार्जिलिंग एंड सिक्किम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेजरली कॉनी फॉरेस्ट स्पीसीज़ होते हैं फिर से वही बात कॉनी फॉरेस्ट जिसके ये इस तरह के ट्रीज होते हैं कॉनी फॉरेस्ट ठीक है इनके जो पत्ते होते हैं वो कॉनिकल होते हैं नीडल टाइप के होते हैं नीडल ठीक है इनकी हाइट जो है वो थर्ट थर्टी से लेके फिफ्टी मीटर तक की इनकी हाइट होती है ठीक है इन द ईस्ट बिकॉज रेनफॉल इज मोर अब हिमालय में भी अगर आप जाओगे हिमालय में भी ठीक है अब ये हमारा हिमालय है हिमालय में भी रेनफॉल ज़्यादा ईस्ट में होता है वेस्ट में रेनफॉल कम होता है रेस्ट में जो वेस्ट में जो प्रेसिपिटेशन होती है वो मेजरली स्नोफॉल की फॉर्म में होती है और ईस्ट में जो प्रेसिपटेशन होती है वो ज़्यादातर आपका रेनफॉल की फॉर्म में होती है ठीक है तो ईस्ट जो है बिकॉज इट इज़ बेटर सो डेफिनेटली ईस्ट में जो है इट वुड बी लिटिल बिट डेंसर तो मतलब ब्रोड लीव्स मिलेंगे वहाँ पर ब्रोड लीव्स मिलेंगे क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा है तो पत्ते जो है वो मोटे होंगे चौड़े होंगे है ना इन द वेस्ट कंडीशन आर कंपेरेटिवली ड्रायर सो दिओदार ट्री मिलेगा दिदार ठीक है दिदार ट्रीज मिलते हैं और वहाँ पर आपको जो है जनरली दूसरे ट्रीज मिलते हैं जिनके ब्रोड लीव्स होते हैं फ्लोरा क्या क्या है पाइंस सीडर सिल्वर फर्स एंड द स्प्रूस ठीक है नंबर थर्टीन ये क्या कह रहा है हिमालयन ड्राई टेम्परेट देखिए ऊपर वाला कौन सा था आपका हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट मॉइस्ट मतलब हिमालय में ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है यहाँ पे हिमालय में वैसी जगह जहाँ पे रेनफॉल कम है हिमालयन हिमालय में होगा टेम्परेट मतलब टेम्परेचर कम होगा बट इट वुड बी ड्राई मतलब रेनफॉल यहाँ पे कम होता है कहाँ पे मिलेगा आपको ड्रायर पार्ट्स ऑफ इनर हिमालय सच एज लाहौल किन्नौर गढ़वाल सिक्किम एट्सेट्रा हिमालय में हर जगह रेनफॉल नहीं होता है बहुत जगह पे रेनफॉल जो है या तो वो स्नोफॉल की फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेशन जो है स्नोफॉल की फॉर्म में होता है तो ये वही एरिया है जहां पे जो है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होता है स्नो के टर्म में जो है प्रेसिपिटेशन होता है रादर देन रेनफॉल स्नोफॉल होता है वहां पे ठीक है स्नोफॉल होता है और प्रेसिपिटेशन भी कम होता है सेंटीमीटर से कम होता है, यहाँ पे फ्लोरा में क्या -क्या मिलता है आपको मेनलीस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ठीक है ओवरलैपिंग है प्लांट्स है? है, में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है सब अल्पाइन फॉरेस्ट देखिए अल्पाइन का मतलब क्या होता है जो बहुत हाइट पे मिलते हैं अल्पाइन का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हाइट पे मिलते हैं ठीक है हाइट देखिए ट्वेंटी नाइन हंड्रेड टू थर्टी फाइव हंड्रेड पे आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हिमालय अब वेस्ट टू ईस्ट हिमालय जब इस हाइट पे जाओगे तो इस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं ठीक है सब सब अल्पाइन कोस देखिए सब अल्पाइन एक होता है अल्पाइन जो बहुत हाइट पे होता है एक होता है सल्पाइन जो थोड़ा सा कम हाइट पे होता है तो अल्पाइन वाला इससे भी ज्यादा हाइट पे देखने को मिलेगा ये थोड़ा सब अल्पाइन है डेफिनेटली इट इज हायर देन टेम्परेट बट इट इज लोअर देन द अल्पाइन बीच में है ये भी आपका कहीं पे, ठीक है कॉनिफर फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता होगा कॉनिफर फॉरेस्ट वेजिटेशन कौन सी मिलती है जूनिपर रोडोडेंड्रोन, विलो एंड द ब्लैक वेजिटेशन इन ईस्ट वेस्ट में और ईस्ट में फर्क है है ना ईस्ट में ज्यादा रेनफॉल होता है वेस्ट में ज्यादा स्नोफॉल होता है बर्च एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे काफ़ी नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलते हैं संगलीला नेशनल पार्क जिंगमे में वांगचुक नेशनल पार्क भूटान में है ये तो थोड़ा सा आप इनको यहाँ पे देख सकते हो ठीक है मोएस्ट अल्पाइन मोस्ट अल्पाइन मोएस्ट है मतलब थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा होगा अल्पाइन मतलब हाइट ज्यादा होती है लोकेशन वही है हिमालय की हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन इज सफिशेंट प्रेसिपिटेशन सफिशियंट है तभी तो मोस्ट बोल रहे हैं ना है एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखने को मिलता है फिर एक आपका क्या मतलब यहाँ पे it is between 3, to 4, it is यहाँ पे ड्राई होती है कंडीशन रेनफॉल स्नोफॉल ज्यादा नहीं होता है प्लांट कौन कौन से यहाँ पे ब्लैक जुपिटर ड्रोपिंग जूनिपर हनसक एंड दिलोज ये देखिए आपका ये है रोडोडेंड्रॉन ये आपका है रोडोडेंड्रॉन तो दीज आर सिक्सटीन काइंड ऑफ forest that we find in india according to champion and set hmm. initially it was done by champion but in 1968 it was updated by mr set so these are the 16 type of forest according to these two people which are found in india तो अभी हम लोगों ने इनको एक एक करके कर लिया है दिस इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जी एस पर्स्पेक्टिव बट यस अगर हमारे चैप्टर में दिया है तो हम लोगों को करना ही है सो दैट इज़ वाई वी हैव कवर्ड दिस पार्ट ऑफ योर्स ठीक है थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट